जय जगन्नाथ सांग माने ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि अगस्त मासटी आपणकर किपर रह गोचर अनुसार कौन रही आपण यही अगस्त मास देखो ग्रह गोचर अनुसार कह आपण राशि आराध्यपति होती मंगलदेव। मंगलदेव रही पंचम घरे रही शुक्र बुध मंगल तीन ग्रह एक साथ पंचम घर रही चतुर्थ घर रही सूर्यदेव एगारतम घर रही शनिदेव सप्तम घर रही केतु लग्न रही राहु गुरु एक साथ आसत। सर्वप्रथम आम जाना आपण कैरियर विषय तापर आम जाना आपण आर्थिक स्थिति आपण स्वास्थ्य दाम्पत्य जीवन शिक्षा प्रेम सब किप रही अगस्त मस गोटे गोटे जाना भिडियोटी संपूर्ण रूपए जाणी आगे जो मैंने भी मेष राशि गले आपड़ी आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ भिडियो जब आपको पसंद आसते हैं गोटे लाइक टी निहाँ कर दिंतु। देखु कैरियर कथा कह भाग्यर मालिक होंगे गुरुदेव कैरियर मालिक होंगे शनिदेव किंतु राशि आराध्यपति होंगे मंगलदेव। गुरु एवं शनि मध्यम आपणकर भाग्य आपणकर कैरियर केमिति रहा ही निर्धारित होता है। देखो गुरु एवं शनि स्थिति भल रही भाग्यर साथ मिलवाक लगे बड़ बड़ कम जोटा कि आपण अटकी जा शुभ कम बड़ बड़ कम आपणकर लगे यही अगस्त मसरे कम कार्य आपण भल चलो जदि आप ऑफिस फैक्ट्री भी कि बिजनेस करूँ भल लाभ देखा पाइबे किंतु आ गए था जा रखु निजर जीति निजर कथबार्तार हेबार शैलीटा चेंज करूँ कारण निजर जीति जो आप कतेटा जगार सफलता हर तासह कथबार्त रूढ़ी टाइप आप कथाई जाइंट बेले बेले तो कथबार्तार तरीका चेंज करवा उचित कारण यही जो अगस्त मसरे आपणकर भाग्य बड़ परिवर्तन सह किसी लाभ मध्य रही तो निहाते आपण यही दुईटा चेंजेस करूँ कहीं जी आप कौन टे शांत हो रही जातु कारण आप रागिगले काम बिगड़ जापे एवं यही मसान अधिकर अधिक रोमांटिक देखादेवे समस्त भल भाव व्यवहार करने मिलामिशा करने को लगे अधिकार अधिका कह मस जो मैंने बिजनेस कर बहुत बढ़िया रही बिजनेस भल लाभ देखा पाइबे तासह आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हे एवं बिजनेस को नहीं आप आग को बढ़े अर्थात आपण बिजनेस उन्नति हे। स्वास्थ्य विषय जानवा देखु मंगल पंचम घर रही उन्नीस तारीख पर अर्थात उन्नीस तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे उन्नीस तारीख पर मंगल षष्ठ घर को जी कि उन्नीस तारीख जाए भल रही आप स्वास्थ्य में कौन असुविधा ना कि उन्नीस तारीख पर स्वास्थ्य जनित समस्या टी देखादेव आपण को हठात ज्वर हो पाए कि बदलुवा पाग अनुसार आप वायरल फीवर सह कि इन्फेक्शन जनित समस्या देखादेपे तेणु उन्नीस तारीख पर निज शरीर को टी जुगी चाह चल पड़ो। शिक्षा विषय जानवा देखु पंचम घर विचार कराए आपणकर पंचम घर मालिक होंगे सूर्यदेव सतर तारीख में सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे अर्थात सतर अगस्त को सूर्यदेव वर्तमान तो चतुर्थ घर रही किंतु सतर अगस्त पर सूर्यदेव पंचम घर को जी तो विद्यार्थी माने यही जो अगस्त मास सतर तारीख पर आपण जहाँ भी करेंगे से लाभ देखा पाइबे कारण किसी जदि आप विद्यालय चेंजेस करने को चाहूँ तो सतर अगस्त पर करूँ आपण बहुत बढ़िया रही कारण निज घर मालिक निज घर रहा बहुत शुभ फल प्रदान एवं जो मेषराशि वाले चाहूँ गवर्नमेंट जॉब पे किसी फॉर्म पकेबा कि गवर्नमेंट रिलेटेड किसी काम करने को चाहूँ तो निहाते आपण सतर अगस्त पर करूँ बहुत भल कारण से समय आप भाग्य तो साह कि गवर्नमेंट रिलेटेड किसी काम अच्छी तो से आप सक्सेस पाइबे तेणु सतर अगस्त पर निहाती करूँ एवं विद्यार्थी मान भल रही कि बेस्ट जदि कह तो सतर अगस्त पर लव लाइफ विषय जानवा देखु पंचम घर ही विचार कराए देखु भल रही मनर विचार मिसिब आपण किसी एक्शन नहीं पारती निजर लवमेट को बहुत करने कि कथबार्ता घरे उठे पारती अंडरस्टैंडिंग दुजन भितर भल रही कौन कारणवशतः दुजन भितर मिसअंडरस्टैंडिंग अलग हो कथबार्ता बंद होता कि ब्लॉक कर दे
ଏହି ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିସିସନରେ ପୁଣି ରିସ୍ତାରା ମଧୁର ହେଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ମେସେଜ କିମ୍ବା କଲ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁସାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି, ତ ରିସ୍ତା ଆପଣ ହିଁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ଭଲ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ ନାହିଁ, ତ ହୁଏତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସପ୍ତମ ଘର ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତି ମଧୁର, କାରଣ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଏକ ସାଥେ ରହିବା, ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ଘର ରହିବା, ଯେମିତି ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବେ, ତା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ବଢ଼ିବେ, ମନ ଆପଣଙ୍କର ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ପୁରା ଏକଦମ ଫ୍ରି ମନ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ମନ ଏକଦମ ହାଲକା ରହିବ, ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ମନ। ନିଜ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ମଧୁର ରହିବ, ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବା ସହ ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ଲାଗିବେ, ତ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ମଜବୁତ ହେବା ସହ ନିଜର ସଂସାରକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି, ଭଲ ରହିଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଲଗ୍ନ ରହିବା ଏବଂ ଗୁରୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ମାଲିକ, ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କ'ଣ କରିବେ ମେଷରାଶି ବୋଲେ, କି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଚାଲୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯଦି ସତର୍କର କଥା ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହିଥିଲି, ନିଜର ବାଣୀ ନିଜର ଜିଦି ଏହି ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିବେ, ତ ସବୁ ସଫଳତା ଆପଣ ହିଁ ପାଇବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଟା ଆପଣ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ କଲା ସମୟରେ ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ଭାବନ୍ତୁନି, କେବଳ ନିଜର ଯାହା ବି କାମ ଅଛି, ଯାହା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ। ବହୁ ଜଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ମନରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି ପାଠ କରିବାର ଲାଭ ଏତେ କିଛି ଉଠାଇ ପାରନ୍ତିନି। ତ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜର ଯାହା ବି ୱିଶ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଭାବନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କିଛି ମାନେ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, 11 ଥର ଲେଖା ପାଠ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।